फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुमताज लिटिल गार्डन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स अपने आप मिल सकें। हाय गाइस, मैं सुमिता श्रीवास्तव, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमिताज लिटिल गार्डन। फ्रेंड्स, कई व्यूवर्स ने मुझसे पूछा है कि इस वक्त उनके प्लांट्स की लीव बहुत येलो और ब्राउन हो रही हैं, रीज़न क्या है और क्या करें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना के उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। सबसे पहले मैं अपना दिखाती हूँ प्लांट्स, देखिए कितने फ्लावर हैं इसमें और कोई भी लीव आपको येलो एंड ब्राउन नहीं दिख रही है और फूलों से सब भरा हुआ है। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में बताऊंगी कि लीव्स येलो और ब्राउन क्यों हो रही हैं, उसके रीज़न, फिर मैं उनको दूर करने के उपाय बताती हूँ। फर्स्ट रीज़न तो फ्रेंड्स ये है कि इस वक्त टेम्परेचर थोड़ा हमारा चेंज हो रहा है। आज 1 नवंबर है तो दोपहर के टाइम धूप निकलती है, तेज़ी से गर्मी लगती है और नाइट और मॉर्निंग टाइम थोड़ा सा विंटर जैसा मौसम हो जाता है, ठंड लगती है। तो इस वजह से भी आपकी लीव्स येलो या ब्राउन हो सकती हैं। और फ्रेंड्स, दूसरा रीज़न है पानी का, या अगर आप पौधों में ज़्यादा पानी डालते हो तो भी आपकी पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी, या आप पौधों में कम पानी डालते हो तो भी आपकी पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी। तो ये कम और ज़्यादा की वजह से भी आपकी पत्तियाँ पीली पड़ सकती। तीसरा रीज़न है प्लांट्स में पोटेशियम की कमी के होने की वजह से भी आपकी पत्तियाँ पीली या ब्राउन पड़ सकती हैं। फ्रेंड्स, चौथा रीज़न है आपके मैग्नीशियम और सल्फेट की कमी की वजह से भी आपके प्लांट्स की पत्तियाँ येलो और ब्राउन हो सकती हैं। तो ये चार कारण हैं आपके प्लांट्स की पत्तियाँ यकायक जो पीली पड़ने लगती हैं। अब ये प्रॉब्लम को मैं दूर करने के आपको उपाय बताऊंगी। तो सबसे पहला जो रीज़न था कि आप मौसम चेंज हो रहा है, तो जैसे मैंने देखिए सारे प्लांट्स अपने एक साथ रख दिए हैं, देखिए सब एक साथ घुसा के यानी रख दिए हैं। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे की ये केयर करते हैं, एक पौधा दूसरे पौधे की केयर करता है। तो इस तरह आप करिए पहला रीज़न के लिए, पानी कम या ज़्यादा होने के लिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय मैंने पहले भी बताया कि आप ये फिंगर को 1.5 इंच मिट्टी में डालिए, जिससे आपको फील हो जाएगा कि मिट्टी में मॉइस है कि नहीं है, फिर आप अपने प्लांट्स में पानी डालिए। अगर मॉइस है तो पानी मत डालिए। फ्रेंड्स, पोटेशियम की कमी को दूर करने के लिए आप ये बनाना के पील्स ले सकते हैं, इनको आप ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने बाद वो इस तरह से हो जाएंगे, फिर आप इनको जब ऐसे से करोगे तो ये थोड़ी चुरमुरा के टूट जाएंगे। या आप मिक्सी में इनको पीस के आप 2 या 3 केले के छिलके सुखा के पीस के एक गमले में डाल सकते हो, या फिर आप पोटेशियम, ये पोटाश आता है रेड कलर का होता है आप देखोगे, या आप 1 चम्मच लेके पौधे की मिट्टी में गुड़ाई करके डाल सकते हैं। और उसको आप जैसे ये मैंने इस तरह से, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लीजिए, उसमें छेद कर लीजिए, या आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो, अगर स्प्रे बोतल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ये 2.5 लीटर की बोतल है, मैंने इसमें 2 चम्मच ये पोटाश डाला है, तो देखिए ये पिंक कलर का हो गया है। तो आप इसको इस तरह से लेके आप पौधे में इस तरह से आप डालिए, हर पौधे में आप इस तरह से आप ऊपर से उसको नहला दीजिए अच्छी तरीके से, ये काम करना है आपको हर पौधे में। अब पत्तियां पीली पड़ी हैं तो भी करना है, नहीं पड़ी हैं तो भी करना है, पीली है तो वो सही हो जाएंगी और जब पीली नहीं है तो वो पीली नहीं भी होंगी। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए ये मार्केट में आता है, इसे एप्सन साल्ट भी कहते हैं, मेडिकल स्टोर में ये मिल जाएगा, घाव की सिकाई या सूजन को सेकने के काम आता है, या नर्सरी में भी मिल जाएगा। आप इसको एक गुड़ाई करके, सेम प्रोसीजर जैसे हमने पोटाश के लिए किया था वैसे ही मैग्नीशियम सल्फेट के लिए करना है, गुड़ाई करके 1 चम्मच मिट्टी में डालना है और उसी की तरह स्प्रे बोतल में आपको बनाना है। ये मेरी 2.5 लीटर की स्प्रे बोतल है तो मैंने भी इसमें 2 चम्मच डाला है, दोनों सेम लगते हैं, ये वाइट कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है, ये डिफरेंस होता है। और ये स्प्रे बोतल में आपको डाल के खूब अच्छे से हिलाना है। ये देखिए, ये पोटास का मैंने जैसे बताया कि पिंक कलर का हो जाता है पानी में डालने पे, और ये वाइट ही रहेगा। और फिर इसको भी आपको हर पौधे में वो मिट्टी में तो डालना ही है और आपको स्प्रे करना है, इस तरह से आपको अच्छे से स्प्रे करना है। और थोड़ा मिट्टी में भी डाल देना है ये पानी,
बस फ्रेंड्स ये उपाय आप करिए, आप देखिएगा कि इस मौसम में आपकी पत्तियाँ येलो और भूरी नहीं पड़ेंगी। और मुझे प्लीज़ करके बताइएगा कमेंट्स करके कि कैसा आपको रिज़ल्ट आया। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में और अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं सुमिता आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।